नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। पुणे में जमीन से 108 फीट नीचे बन रहे देश के पहले मेट्रो स्टेशन का कार्य अब अंतिम चरण में। आधुनिक सुविधाओं से लैस देश का होगा पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा, शिवशाही बस के पलटने से एक यात्री की मौत, 22 यात्री घायल, घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 722 नए मामले सामने, जबकि इस दौरान 3 लोगों की हुई मौत। राज्य में 5549 एक्टिव केस। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और पुणे सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश की जताई संभावना। फिल्म स्टूडियो परमिशन के लिए पॉलिसी में बदलाव करेगी बीएमसी, मालिकों को शर्तों का करना होगा कड़ाई से पालन। मुंबई में वेश्यावृत्ति गिरोह का भंडाफोड़, उज्बेक की 2 महिलाओं को अंधेरी के एक होटल से किया गया रेस्क्यू, 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों का सोना जब्त, 18 सुडानी महिलाओं के साथ एक भारतीय महिला गिरफ्तार। मुंबई के वसई विरार में जून तक खत्म होगी पानी की समस्या, सूर्या नदी से बिछी पाइपलाइन, MMRDA ने दी जानकारी। वसई विरार और मीरा भाईंदर की पानी की समस्या को खत्म करने के लिए पालघर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने का काम तकरीबन हुआ पूरा, MMRDA कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने कहा, 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगी पानी की सप्लाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली राहत, मुंबई की एक विशेष अदालत ने मुंबई से बाहर देश में कहीं भी यात्रा करने की दी अनुमति। अदालत ने कहा कि यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है अभिन्न अंग। अभी के लिए बस इतना ही। मुंबई की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।